दोस्तों, फार्म क्लीनिंग का दूसरा जो अपडेट वीडियो है उस सभी के आप सभी को स्वागत है। अभी मेरे फार्म में लगभग जो डस्टिंग का काम है तो आधा कंप्लीट हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है फार्मिंग में कि आपका क्लीनिंग इतने अच्छे तरीके से होना चाहिए कि आपके फार्म के अंदर का जो पॉइजन्स है, जो डस्ट वगैरह होते हैं, वो सारी दोस्तों अच्छे से निकल जाए। एक चीज़ के ऊपर आपको हमेशा एकदम से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक रिज़ल्ट आने के लिए ये अच्छा नहीं है कि आपका मैनेजमेंट ही सिर्फ सही हो। उसके साथ साथ आपका जो फार्म में ऐसा एटमोसफियर बना रहना चाहिए कि एक चालान होने के बाद, 7 दिन 8 दिन के बाद, वो जो पूरा फार्म है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होना चाहिए कि फार्म एकदम नए जैसा होने लगे। और अगर नए जैसे फार्म रिस्पॉन्स करने लगे तो आने वाले टाइम में जो बाढ़ का रिएक्शंस है, बाढ़ का जो इफ़ेक्ट है, बाढ़ का जो ग्रोथ है, वो भी अच्छे से हो। तो मैंने कौन सा अपडेट दूसरे वीडियो में किया है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो पहले वीडियो में मैं बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं कि आप जब लिफ्टिंग होते हैं तो सबसे जो हॉफर वगैरह होते हैं, जो बाहर की तरफ जो डस्ट होते हैं, उसको अच्छे से फेंक देना। उसके ऊपर जो लीटर वगैरह जो पुराना वाला है उसको फेंक देना। तो अभी पुराना जो लीटर है वो सब मैंने फेंक दिया है बाहर की तरफ। और लीटर को फेंक देने के बाद उसका भी एक अच्छा काम होता हो सकता है, जब कोई खेती बाड़ी करता है तो उसके लिए एक बेनिफिट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो के एंड में हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो अभी बात करते हैं कि डस्टिंग करने का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, जब भी आप डस्टिंग करेंगे तो देख सकते हो अच्छे तरीके से इस जो मैला है उसको उठाकर फेंकना है। उसके बाद अच्छे से झाड़ू लगाकर ये जो जगह है एक नए की तरह कर देना है आपको। इसमें थोड़े इफ़ेक्ट थोड़े चीज़ में ज़्यादा करता हूँ, इसके वजह से मेरा समय जो है वो ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि ये जो डस्टिंग है ये लगभग आपको कंप्लीट हो चुका है लग रहे होंगे, लेकिन ये कंप्लीट अभी तक नहीं हुए है क्योंकि इसके बाद मैं और एक बार झाड़ू से साफ़ करूँगा। जो कोने पर अगर कोई भी माइनस से माइनस डस्ट रह जाती है उस झाड़ू से निकल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम आज जो मैं करूँगा और कंप्लीट लगभग हो जाएगा वो है कि ऊपर की तरफ जो मकड़ी का जो जाला है उसको मैं आज साफ़ कर दूंगा, क्योंकि वो जो डस्ट वगैरह होते हैं वो बहुत वायरस या फिर जो उसमें जो बहुत डस्ट फंगस लगा होता है तो उसको भी अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है। उसके बाद जो पाइप वगैरह के जो ऑर्डरिंग करके पाइप होते हैं उसमें बहुत सारे डस्ट लगे होते हैं, उसको अच्छे अच्छे तरीके से साफ़ करना होगा। तो इसी तरीके से फार्म को सैनिटाइज करने पड़ेगा। उसके बाद इस फार्म के अंदर मैं फॉर्मालिन से स्प्रे करूंगा और 505 या फिर कोई भी कीटनाशक है आपके पास तो कीटनाशक से स्प्रे कर दीजिए। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या करता हूँ कि फार्म क्लीनिंग करने के बाद पूरे फार्म को मैं एक दिन रेस्ट देता हूँ फॉर्मालिन से स्प्रे करने के बाद। उसके बाद दो चून वगैरह वाला जो पानी है उसको देता हूँ। तो एक दिन समय से रेस्ट देने की कोशिश कीजिए जब आप पूरे जो लीटर है उसको फेंक देने के बाद, क्योंकि अगर आप चून वाला पानी देंगे तो वो जो पानी है उसको देने के बाद वो जो सूखना होता है ना वो उतने अच्छे से नहीं होता। तो इसके लिए फार्म जब भी आप लीटर वगैरह फेंक देंगे उसके बाद एक दिन हमेशा कोशिश कीजिए कि फार्म को रेस्ट देने की। उसके बाद चून वाला पानी दीजिए। पानी देने के बाद जो जगह बचा होगा जहाँ पर चून वाला पानी नहीं पहुँच रहे होंगे उसको थोड़े थोड़े करके ब्लीचिंग पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो। सो डस्ट ब्लीचिंग पाउडर, उसमें क्या होता है कि अच्छे खासे जो पॉइजन्स वगैरह होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों बाहर की तरफ चलते हैं और देखाता हूँ कि बाहर मैंने चून को किस तरह से भिगाया है। तो ये लगभग 10 kg चून है और 10 kg चून को मैं पानी से भिगा दिया हूँ। तो अभी मैं पानी में चून दिया हूँ तो लगभग 4 से 5 घंटे या फिर 12 घंटे में इसको रखूँगा। इसके बाद जो चून वाला पानी उसी पे काट दूँगा, क्योंकि 8-10 घंटा हमेशा दोस्तों इसको पानी में भिगा के रखना इम्पॉर्टेंट है। और फार्म के अंदर के साफ़ सफाई होने के बाद ही बेस बाहर का जो ऑटो टिंकर वगैरह है उस चीज़ को साफ़ करूँगा, क्योंकि 1-2 दिन अगर चून वगैरह देने के बाद मैं फार्म को रेस्ट दूँगा तो उस बीच में ये जो काम है ये मैं निपटा लूँगा। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंदर जो हिस्सा है वो अगर सैनिटाइज रहे तो बाहर की काम भी अच्छे से होगा। तो आप देख सकते हो मैंने इस वाले जो शेड है इसमें भी अच्छे खासे डस्टिंग मैंने कर रखा है। तो डस्टिंग का काम अभी भी चल रहा है, तो डस्टिंग मैंने लगभग 90% कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद अच्छे से इसको साफ़ सफाई करने के बाद बाहर की तरफ जो मैले हैं उसको मैं फेंक दूँगा, और जो भी अधूरा काम अभी भी कंप्लीट है वो आने वाले वीडियो में दोस्तों डिस्कशंस करेंगे। तो अभी दूसरे तरफ चलते हैं और उसको आपको दिखाता हूँ कि जो लीटर वगैरह है उसको मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, ये मेरे जो फार्म के साइड वाला हिस्सा है यहाँ पर जो भी गड्ढे वगैरह है वहाँ पर मैंने जो लीटर है फार्म का वो मैं फेंक दिया हूँ। तो
तो आपके पास फार्म के अगर आसपास कोई भी गड्ढे वगैरह नहीं है, क्योंकि फार्मिंग करते हो तो फार्म के अंदर, अगर मिट्टी से फार्मिंग करते हो तो फार्म के अंदर बहुत सारे गड्ढे हो जाता है, तो कोशिश कीजिए कि आपके फार्म पास में अगर कोई गड्ढा नहीं है तो एक गड्ढा खोद लीजिए और वो जो मिट्टी है वो फार्म के अंदर जो गड्ढे वगैरह है उसमें दे दीजिए। उस गड्ढे में जो पुराना वाला लीटर है, भूसा है, उसको फेंक दीजिए। जैसे कि ये जो ज़मीन है ये बहुत ही नीचे था और मैंने ये जो लीटर है उसको फेंक फेंक कर इस ज़मीन को भी बहुत ऊंचा करवाया है, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों क्या होगा कि इस जगह से और एक फार्म में बनाऊंगा तो प्लॉट अच्छे लेवल पे आ जाएगा। ये है पहली काम, तो मिट्टी का एक काम रिकवरी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास में ऐसा कोई जगह है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ये जो भूसा है क्योंकि इसमें सुपर फॉस्फेट मिला होता है, बाढ़ ने फीड इनटेक अच्छे से करते हैं, तो उसके वजह से जो पॉटियो करते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, तो ये अगर आप खेती में देंगे एक क्विंटल, अगर एक बीघा जमीन में अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसमें जो मिट्टी का जो खाद है वो बहुत अच्छे से होता है। और इसमें जो जो चीज़ होते हैं उसमें क्या होता है कि मिट्टी में जैसे कि कीटनाशक अगर आप देते हो, यूरिया देते हो या फिर पोटाश देते हो या फिर 10-26-26 देते हो, तो वो सारे चीज़ मिट्टी को जिस तरह से बनाते भी है उसके साथ साथ मिट्टी का जो गुण है वो भी नष्ट कर देते हैं। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसमें जो सब्सिडी थे वो बहुत तारी तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट जैसी चीज़ को अभी ले आने की दोस्तों कोशिश कर रहे हैं। तो इसके वजह से जो ये जो लीटर है ये अगर आप खेती बाड़ी में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसमें आपका जो खर्चा है जो सार वगैरह खरीदने की वो कम हो जाता है। और फार्म के दूसरी तरफ इस जगह पर मैंने हल्दी का जो बीज है मैंने लगा दिया है, क्योंकि हलूद बहुत इस्तेमाल होते हैं फार्मिंग में। जैसे कि आपको दिखा रहा था कि हल्दी मैं लगभग 7-8 kg मैंने आगे पिछले चालन में इस्तेमाल किया था, तो पूरे हल्दी जो है मैंने उठा लिया था। तो उसके लिए आप अगर आपके फार्म के आसपास ही अगर कोई जगह है तो हल्दी वगैरह, एलोवेरा या फिर तुलसी या फिर जो भी चीज़ है आयुर्वेदिक इस्तेमाल होते हैं फार्मिंग में, वो सारे चीज़ दोस्तों प्लांटेशंस कर दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, फार्म के एक दूसरी तरफ है यहाँ पर एक जगह है, ये जो चीज़ है जो मैं बहुत वीडियो में बोलता हूँ कि कॉक्सी के प्रॉब्लम के लिए तैलाकुची पत्ता का इस्तेमाल करना, तो ये तैलाकुची पत्ता ये है, इस पत्ते को अगर इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ ज़मीन पे ही उगते हैं जहाँ तक आप फेंक देते हो, तो ये तैलाकुची पत्ता के साथ ये जो थानकुनी पत्ता है, ये जो थानकुनी पत्ता है, ये दोनों पत्ता पास में ही है, तो इस चीज़ को अगर आप पंच करके देंगे तो कॉक्सी का मेडिसिन हो सकता है या फिर जो ड्रॉपिंग का इशू होता है उसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो हर एक चीज़ को मैं फार्म के आसपास जितना हो सके, जैसे कि मेरा एक खुद का ही एक गार्डन है, तो ये जो गार्डन वगैरह है इसमें मैं तरह तरह के जगह पर मैंने तरह तरह की चीज़ मैंने लगा के रखी, जिस जो आने वाले टाइम में फार्मिंग में मुझे ही फ़ायदा होगा। और मेडिसिन कस्टिंग काम आने की वजह से आज जो पेमेंट मुझे 30,000 होने वाला था वो लगभग 5,000-7,000-8,000 रुपये मुझे ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि मैं कॉस्टिंग कम रखता हूँ और जो मेडिसिन है वो अच्छे से अच्छे टाइम पे देता हूँ, तो प्रॉब्लम कम होता है और प्रॉफिट भी दोस्तों ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए और फार्म डस्टिंग वीडियो दोस्तों अभी जारी रहेगा, तो आने वाले टाइम में और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। जय हिंद दोस्तों।